ऑल आर फाइन एंड सेफ। सो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी रीडिंग है उसका जो टॉपिक मैंने रखा है वो ये है कि आपके जो पर्सन है उनके अभी करेंट एनर्जीज क्या चल रही हैं, क्योंकि अभी मोस्टली लोग जो हैं वो सेपरेशन में हैं। तो हम लोग चेक करते हैं कि किस तरह की एनर्जीज अभी चल रही हैं। तो मैंने यहाँ पर दो पाइल्स ली थी और मैंने इमेजेस भी जैसे डाल दी थी। तो ये एक श्री कृष्ण जी हैं, आप लोग देख सकते हैं, और ये एक हमारे पास लाफिंग बुद्धा है छोटे से, तो इनकी भी एक पाइल थी। तो आप लोगों को जो भी, अगर आपको इन दोनों में से कोई भी नहीं समझ में आ रहा है या कार्ड्स में से कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप ये पाइल्स में से चूज़ कर सकते हैं। अगर पाइल में से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप ये कार्ड लेकर भी चूज़ कर सकते हैं, या आप थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा अपने आइज़ को क्लोज़ कीजिए, उसके बाद जो भी आपको कार्ड या जो भी पाइल आपको, जो भी ये कृष्ण जी या लाफिंग बुद्धा जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप उस पाइल को देख सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि वो पाइल आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप दूसरी पाइल को देख सकते हैं, तो वो आपसे हो सकता है कि रेजोनेट कर जाए। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग्स होती हैं। अगर आप लोगों को कोई लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम है या प्रोफेशनल प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन माई फेसबुक दीपिका मेडिटेशन पावर, यू कैन मैसेज मी देयर एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग जो है। मैं ये जो हमारी बुद्धा वाली पाइल है इससे अपनी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। तो मैं आपको सबसे पहले जो है, मैं ये ज़रा इधर रख देती हूँ साइड में, या तो ये वाली जो पाइल है हमारी, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो कार्ड मेरे पास आया था वो आया था सेवन ऑफ कप्स का, देन आई हैव अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देन आई हैव अ सिक्स ऑफ कप्स, देन क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो आपके पर्सन हैं उनके पास जो है ऑप्शंस तो काफ़ी हैं, लेकिन वो फिर भी वो सिर्फ आप ही को देख रहे हैं। ये देखिए, ये जो है ये इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग है। इट्स अ डायमंड, इट्स अ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑप्शंस। सो आपके जो पर्सन है वो आप पर आंख लगा के बैठे हैं एंड वो आपको कहीं ना कहीं से स्पाई ज़रूर कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया में देख रहे हैं या फिर वो आपकी डीपी देख रहे हैं, जैसे भी है तो वो आपको काफ़ी स्पाई कर रहे हैं और वो आपको काफ़ी इमेजिन कर रहे हैं इस टाइम पे, सेपरेशन के टाइम पे, बिकॉज कोरोना वायरस की वजह से कोई भी किसी से मिल नहीं पा रहा है। तो अभी जो है वो आपको काफ़ी एनालाइज भी कर रहे हैं पीछे की जो बातें हुई हैं, और वो आपको जो है दूसरों से काफ़ी डिफरेंट मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप जो भी उनके पास जो ऑप्शंस हैं अगर, तो उनमें से आप काफ़ी डिफरेंट हैं और वो आपको, आप जो है वो स्पाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन को ये लगता है कि यू आर अ वेरी नर्चरिंग केयरिंग टाइप ऑफ पर्सन एंड यू आर अ वेरी सपोर्टेड पर्सन। आपको अगर किसी को आपकी ज़रूरत होती है तो आप हमेशा तैयार रहते हैं, आप बहुत ही नर्चरिंग है, केयरिंग है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो अभी उनके अंदर भी इस तरह की जो है एनर्जी आ रही है कि वो शायद पहले नर्चरिंग केयरिंग नहीं थे आपके पर्सन, तो अभी वो भी नर्चरिंग केयरिंग जो है, इमोशनल फीलिंग्स, ये सब एनर्जीज उनके अंदर जो है वो आ रही हैं धीरे धीरे, और उन्हें ये एनालाइज हो चुका है कि आप सबसे ज़्यादा डिफरेंट हैं। आप जो हैं वो आपकी, आपको, उनका मानना ये है कि आपको किसी और से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। जो आपके पर्सन हैं उनकी एनर्जी सभी इस तरह की है कि वो आपको बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग और लविंग पर्सन देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि यू आर अ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ओके, और वो आपको कोई ना कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, और ये जो कनेक्शन होता है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। दिस अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, सिक्स ऑफ कप्स।
सो फ्रेंड्स, ये जो है ये कार्ड हमें जब भी आता है तो हमें ये बताता है कि वो आप उनका जो इमोशंस हैं, वो अभी ये कप देखिए आप, इन कप में, इन कप्स में सभी कप्स में फ्लावर हैं, यानी कि उनके जो इमोशंस हैं वो फुल ऑफ लव हैं, फुल ऑफ फीलिंग्स हैं। तो दे आर आपके जो पर्सन है वो अभी उनको समझ में आ चुका है कि यू आर अ वेरी नर्चरिंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग पर्सन। तो वो अभी आपको कुछ ना कुछ ऑफर देना चाहते हैं। तो अभी जो है वो कोई बहुत ज़्यादा बिग बड़ा मैं ऑफर नहीं कहूँगी, बट हाँ वो आपको ऑफर देना चाहते हैं, आपसे फ्रेंडशिप दोबारा से करना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं दोबारा से। और नाइन ऑफ वॉन्ट्स का भी कार्ड आया है, तो यहाँ पर ये जो एनर्जी होती है काफ़ी फास्ट एनर्जी होती है। तो हो सकता है सडनली आपको कोई ना कोई मैसेज मिले उनकी तरफ से, या फिर आपको कोई वो मेल भेजे, या कोई किसी भी तरीके का इंटरनेट के द्वारा संपर्क आपका हो सकता है, आपको मैसेज मिल सकता है, कोई टेक्स्ट मैसेज या कोई व्हाट्सएप कुछ भी। तो इस तरह की एनर्जी है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस की वजह से कोई किसी से मिल नहीं सकता है, तो इसी वजह से आपको कोई ना कोई टेक्स्ट मैसेज या कोई भी इस तरह का व्हाट्सएप मैसेज वो जो है वो भेजेंगे, और ये सडनली आपको मिलेगा। एस ऑफ सोर्स हमें ये बताता है कि वो अगर पहले अपनी चीज़ों को प्रोसीड नहीं करना चाहते थे, या उनकी कोई प्रॉब्लम थी, उनकी कोई ऐसी मजबूरी थी कि वो नहीं कर पा रहे थे, तो अभी वो इस चीज़ के लिए रेडी हैं। और डिवाइन भी जो है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, तो डिवाइन आपके साथ हैं। ये जो है ये डिवाइन का हाथ है, और डिवाइन जो भी आपकी प्रॉब्लम है आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे, और आपको एक क्लियरिटी देने के लिए डिवाइन जो है वो आपके साथ हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग थी ये हमारी फर्स्ट पाइल की रीडिंग थी। अभी मैं यहाँ पर ये देख लेती हूँ कि एंजल्स जो हैं वो आपको क्या कहना चाहती हैं फर्स्ट पाइल वालों को। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताइए। देखिए, आप लोगों के लिए ना 333 नंबर आया है, तो मैं आपके लिए रीड करती हूँ। योर हार्ट फेल्ट वर्ड्स एंड इंस्पायर्ड विजन कैन ब्रिंग ग्रेट चेंजेस टू यू एंड दीज अराउंड यू। तो फ्रेंड्स, आप जो भी वर्ड्स यूनिवर्स को देंगे, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, वो सभी चीज़ें जो भी आप चाहते हैं वो आप ही के अराउंड हैं, और वो चेंजेस जो हैं वो बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। तो अभी फ्रेंड्स हम जो है दूसरी पायल की रीडिंग देखते हैं कि उसमें क्या आया है। ये दूसरी पायल है श्री कृष्णा की, या फिर आप, ये पहला कार्ड आया था हमारा एस ऑफ कप्स का, तो आप इससे भी देख सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। दूसरा कार्ड आया हमारे पास एट ऑफ पैंटिकल्स का, पर ये मेरे पास रिवर्स में आया था। फोर ऑफ पैंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, द मैजिशियन, बट मैजिशियन भी मेरे पास रिवर्स में आया है। तो फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है द हैंग्ड मैन, द हैंग्ड मैन हमें ये यहाँ पर दो चीज़ें बताता है। फर्स्ट जो बात है वो ये है कि आपके जो पर्सन है ना, वो काफ़ी अभी कंफ्यूज्ड भी हैं, कंफ्यूज्ड हैं वो, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि आगे चीज़ों को किस तरह से प्रोसीड किया जाए। वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपसे हो सकता है मिलना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है कि वो किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से बातचीत शुरू की जाए, किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। तो अभी हैंगमैन जो दूसरा दूसरी इसमें वे में हम अगर देखते हैं, तो हैंगमैन जो होता है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अपनी पुरानी चीज़ों को एनालाइज कर रहा है अभी वो इस टाइम पे। ये हीलिंग का भी होता है थोड़ा सा, कि आप जो है वो एनालाइज करते हैं अपने आप को। अभी आपके पर्सन जो है वो एनालाइज कर रहे हैं
कि किस तरह से मैं आगे चीज़ों को सही करूं, किस तरह से प्रोसीड करूं, किस तरह से मैं आगे जो है आगे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाऊं, किस तरह से मैं चीज़ों को जो है वो मेंटेन करूं कि आगे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में आगे चले। तो अभी उन वो जो है एनालाइज कर रहे हैं। और थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पर ये एट ऑफ पैंटिकल्स का कार्ड है, बट ये रिवर्स में आया था। अगर ये ऐसे आता तो मैं कहती कि अब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है अभी प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि जो है कोरोना की वजह से सभी का ही जॉब, बिजनेस, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। तो इसीलिए ये कार्ड मेरे पास भी अभी जो है वो रिवर्स में आए हैं। आपके जो पर्सन है वो काफ़ी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं अभी क्योंकि सभी लॉकडाउन में हैं। और फोर ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि उन्होंने आपको काफ़ी इमोशनली जो है वो टाइटली, मतलब एक तरह से कह रहे हैं कि पकड़ के रखा हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि हाँ आप जो है उनको भी चाहिए। तो अभी या फिर ये पेंटिकल्स का भी हो सकता है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं बस मुझे मनी चाहिए, मनी मनी मनी, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। बट मैं यहाँ पर पर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर ये मैंने रीडिंग बनाई है, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी ये फोर ऑफ पेंटिकल्स, आपने या आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया है एंड यू वॉन्ट कि वो मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। बट समटाइम जब हम किसी भी रिश्ते को, किसी भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड करते हैं तो वो चीज़ें जो है सही से ग्रो नहीं करती हैं। तो हर रिलेशनशिप में एक फ्रीडम भी बहुत ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी भी चीज़ को हमें टाइटली होल्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उतना ही, दूसरा जो पर्सन होता है वो उतना ही ज़्यादा कई बार सफ़र करने लगता है उससे, बिकॉज एवरीबडी नीड सम फ्रीडम इन रिलेशनशिप्स। तो अभी आपको इस तरह की एनर्जी से जो है वो बाहर आने की ज़रूरत है, या आपके पर्सन को इस तरह की एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि उनको पहले लगता हो कि नहीं वो ठीक है, ये रिलेशन जैसा भी है ठीक है, लेकिन अभी उनको कुछ वैल्यू होने लगी और उनको लगता है कि नहीं नहीं ये मुझे तो सिर्फ ये पर्सन ही चाहिए अपनी लाइफ के लिए। बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी आया है और ये जो कप है ये बिल्कुल फुल है, तो ये जो आपके पर्सन हैं अभी उनके जो इमोशंस हैं, उनके जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी प्योर हैं और वो काफ़ी फुल ऑफ लव हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि ये जो है ये फुल है, कप फुल है। ये अगर कप खाली होता तो हम कुछ और कह सकते थे, लेकिन अभी ये कप जो है ये फुल है। और ये जो कार्ड हमें बता रहा है यहाँ पे एस ऑफ कप का, आपका जो पर्सन है उनकी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो काफ़ी प्योर हैं और वो काफ़ी फुल ऑफ लव हैं और वो इस रिलेशनशिप में कोई मैजिक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं, शायद हो सकता है मे बी उनकी कोई मजबूरी हो, वो किसी तरह की चीज़ों में सफ़र कर रहे हो, या उनकी कोई पैंटिकल्स की प्रॉब्लम चल रही हो, मनी की कोई इशू चल रहा हो जैसे वो प्रोसीड नहीं कर पा रहे हो आगे। तो मैजिशियन जो कार्ड जो होता है वो एक मैनिफेस्ट करने का भी कार्ड होता है। आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, आप जो भी चीज चाहते हैं उसको। लेकिन ये कार्ड मेरे पास रिवर्स में, तो अभी जो है ना ये आप जो है इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी ये कार्ड जो है मेरे पास रिवर्स में आया है, अभी कोई मैजिक नहीं क्रिएट हो पाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी सेकंड पाइल की रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। एंड सो फ्रेंड्स अभी मैं देखती हूँ कि सेकंड पाइल वालों के लिए क्या हमारे पास कार्ड आया है एंजल्स की तरफ से। आपके लिए 222 आया है। 222 हमें बता रहा है कि अलाउ योर सेल्फ टू क्रिएट विद ब्यूटी एंड सेल्फ लव रेदर देन फोर्स। तो आपको चीज़ों को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है, तो जस्ट गो विद द फ्लो। जैसी चीज़ें चल रही हैं अभी उनको वैसे चलने दीजिए। हो सकता है कुछ थोड़ा डिवाइन टाइम हो या आपके पर्सन की बहुत कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो आपको जो है चीज़ों को फोर्स नहीं करना है। हैव पेशेंस एंड हैव होप।